हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल। दोस्तों, हम सभी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, लेकिन कई प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के बाद भी असर नहीं दिखता है। ऐसे में क्यों ना कम खर्चे वाला पिंक सॉल्ट स्क्रब यूज करें। आइए पिंक सॉल्ट स्क्रब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने यकीनन कई तरह की होममेड स्क्रब का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये शायद ही कभी सोचा होगा कि नमक से भी चेहरा घिसकर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। इस तरीके को अपनाने के लिए बस आपको आम नमक की जगह लेना होगा पिंक सॉल्ट, और जब आप इससे स्क्रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा ग्लोइंग होने लगी है। तो चलिए जानते हैं पिंक सॉल्ट स्क्रब के बारे में। नंबर एक, पिंक सॉल्ट में क्या है खास। दोस्तों, पिंक सॉल्ट में ऐसे कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा पर चमक लाते हैं। गुलाबी नमक में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। स्किन के लिए गुणकारी बनाने के लिए आप इसमें रोज वाटर मिला लीजिए। गुलाब जल भी गुणों का खजाना होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। यही वजह है कि दोनों को मिलाकर यूज करने से स्किन को कई तरह के फायदे होते हैं। नंबर दो, स्क्रब बनाने और लगाने का सही तरीका। दोस्तों, स्क्रब बनाने के लिए आप एक चम्मच गुलाबी नमक ले लें। इसमें 7 से 8 बूंदे गुलाब जल की मिला दीजिए। साथ में एक चम्मच शहद भी मिक्स कर लें, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं तो इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और आपकी स्किन पर शहद का इस्तेमाल होने से स्किन अच्छे से डीप मॉइस्चराइज हो जाएगी। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अब थोड़ा सा स्क्रब लें और उसे हल्के हाथों से अपने फेस पर मसाज करें। कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए मसाज करें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। नंबर तीन, क्यों फायदेमंद है स्क्रब। दोस्तों, गुलाबी नमक स्किन में मौजूद टॉक्सिस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा खुलकर सांस ले पाती है। गुलाबी नमक और गुलाब जल का कॉम्बिनेशन स्किन टाइटनिंग का काम करता है। ये नए सेल्स की ग्रोथ को रफ्तार से बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्किन पर जल्दी रिंकल्स नहीं आते हैं। इन दोनों की मदद से स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहती है, जिसके चलते स्किन चमकदार बनती रहती है और आपको आगे चलकर स्किन से जुड़ी सर्दियों में दिक्कतें रहती हैं वो इसकी मदद से नहीं होती हैं। नंबर चार, सबसे जरूरी बात। नंबर एक, दोस्तों, गुलाबी नमक और गुलाब जल से बने स्क्रब का इस्तेमाल करते वक्त ये बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप स्क्रबिंग करें तो ज्यादा ताकत से ना रगड़ें, नहीं तो आपकी स्किन छिल जाएगी। नंबर दो, दोस्तों, इस स्क्रब का रोजाना उपयोग ना करें। ये ध्यान रखें कि स्किन को रोजाना स्क्रब करना ठीक नहीं होता है। रोजाना स्क्रबिंग से स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 ही बार इसका यूज करना चाहिए और आप डेली उपयोग इसका ना करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।